हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का स्प्रिंट वन का सॉल्यूशन। ठीक है, स्प्रिंट वन का अपन सॉल्यूशन चेक करते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको देखने सबसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें MCQs है, मतलब आपके कोई विच वन मतलब कोई भी एक जो है आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न अबाउट, थर्मोडायनेमिक जो है वो किससे कंसर्न नहीं रखता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी चेंजेस के बारे में ही बात करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी चेंजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है ये तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करते हैं, तो हमको नॉट कंसर्न पूछा है। सबसे पहले ध्यान देना कि पूछा क्या है, तो नॉट कंसर्न पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो है बी द एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, यस ऑब्वियसली कि कोई रिएक्शन जो है किस हद तक जो है आगे बढ़ सकता है, किस हद तक कंप्लीट हो सकता है, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक जो है जानकारी देता है। तो आपका ये भी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, द रेट, थर्ड ऑप्शन है द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, यस ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में हम रेट के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं करते, थर्मोडायनेमिक्स के सॉरी रेट के बारे में कौन डिस्कस करता है, तो रेट के बारे में काइनेटिक में हम डिस्कस करते हैं कि कोई रिएक्शन की रेट जो है क्या होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से तो थर्मोडायनेमिक्स आपके रेट के बारे में कंसर्न नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और देख लीजिए ऑप्शन डी क्या है, तो ऑप्शन डी जो है फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यस ऑब्वियसली हम थर्मोडायनेमिक्स में तो यही पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताता है कि वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, कहाँ से कहाँ चलेगा। ठीक है, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक जानकारी देता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स कैन डू द मैजिक ऑफ प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द रिएक्शन, यस थर्मोडायनेमिक जो है आपके किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, यही तो आपका थर्मोडायनेमिक्स का मैजिक है कि कोई रिएक्शन जो है किस तरफ चलेगा और कितने हद तक चलेगा और वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करते हैं। तो हमको नॉट ट्रू बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए इनकरेक्ट है, तो ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इंटरनल एनर्जी ई दूसरा ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी ई एंथैल्पी एच एंट्रोपी एस फ्री एनर्जी जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम आर नॉट पाथ फंक्शन दैट मींस नॉट पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, यस हम पढ़ते हैं कि ई एच एस और जी जो हैं ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये आप पढ़ते होंगे Q और W जो है क्या है, पाथ फंक्शन है, ये जो है पाथ फंक्शन है, दैट मीन्स पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं क्यू और डब्ल्यू। तो आपका ये बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है नॉट पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, यस ई एच एस जी है जो है ये पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन है हीट एंड वर्क आर नॉट डिफाइंड फॉर एनी स्टेट ऑफ सिस्टम, यस हीट एंड वर्क ये जो क्यू और डब्ल्यू जो है ये जो है आपके पाथ फंक्शन है, ये आपके पाथ फंक्शन है, तो ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स ये किसी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन नहीं करते। तो आपका सी भी जो है ये जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, हाँ, तो डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए डी ऑप्शन एक्चुअल में क्या बोल रहा है, तो डी ऑप्शन बोल रहा है द ओनली कंडीशन दैट अ सिस्टम शुड बी एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट द वेजल मस्ट बी इंसुलेटेड। तो ये पूछ रहा है कि किसी सिस्टम की आइसोलेटेड सिस्टम बनने के लिए क्या सिर्फ वेजल को इंसुलेटेड होना जरूरी है, तो बिल्कुल ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भाई सॉरी एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। ठीक है,
ठीक। हाँ ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। देखिए, हाँ तो देखिए, मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई सिस्टम है उसको अगर हम इंसुलेट कर देते हैं, ये लीजिए चलो इंसुलेट कर देते हैं, तो क्या सिर्फ इंसुलेट होने से वो सिस्टम जो है आइसोलेटेड हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। ये अभी जो है आइसोलेटेड नहीं है, ये जो भी जो है आइसोलेटेड नहीं है। हाँ इसके साथ साथ सिस्टम को जो है क्लोज भी होना है। इसके साथ साथ सिस्टम को क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। अब देखो इंसुलेटेड के साथ साथ अगर क्लोज सिस्टम है तब मैं बोल पाऊंगा कि ये अब सिस्टम जो है क्या हो गया, आइसोलेटेड है। तो केवल इंसुलेटेड कंडीशन रखने से वो सिस्टम जो है आइसोलेटेड नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको नॉट ट्रू पूछा था, तो यस ऑब्वियसली आपका आंसर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, ठीक है आगे ध्यान दीजिए। ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर अ प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू, फॉर अ प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू। तो देखिए ये जो है मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन था, थर्मोडाइनमिक स्क्वायर का क्वेश्चन था। चलो हम इसको सबसे पहले आपको क्या करते हैं, थर्मोडाइनमिक स्क्वायर जो है या जिसको हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है सुनो प्रभु तेरी वाणी, ठीक है ये हो गया। हाँ अब आपका पोटेंशियल का क्या क्या किस्सा है? तो पोटेंशियल होता है हे गॉड ऑल यू, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे को क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, मेरे को ये पूछा गया। अब देखो इसको मैं अगर इसको बाउंडेड वेरिएबल के टर्म में लिखूं तो बाउंडेड वेरिएबल के टर्म में ये क्या हो जाएगा? टीडीएस, ये हो जाएगा आपका डीएच, ये हो जाएगा वीडीपी, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्शन जो है ऐसे भी होता है, ये एस से टी और पी से वी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस एस डी टी, और ये हो जाएगा आपका माइनस पी डी वी, ठीक है। और ये हो जाएगा डी ए, और ये हो जाएगा डी जी, और ये हो जाएगा आपका डी यू, ठीक है। मैं इतने बार आपको यहाँ अभी जो प्रैक्टिस करूंगा उसमें इतने बार जो है मैजिक स्क्वायर यूज करूंगा कि आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। देखिए तो हमको क्या चाहिए, हमको पूछा है टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर कहाँ से निकलेगा? तो टेम्परेचर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ से निकलेगा, तो सबसे पहले तो मैं ध्यान दूंगा टेम्परेचर अगर मेरे निकालना है तो डीएस जो है डिवाइड में चले जाएगा, ये डीएस जो है कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखूंगा कि डीएस जो है कहाँ पर है, ठीक है, डीएस जो है कहाँ पर डिवाइड में है। तो देखो यहाँ पर डीएस डिवाइड में नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर डीएस डिवाइड में नहीं ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, यहाँ पर डीएस डिवाइड में नहीं ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है डेल एस जो है डिवाइड में है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। देखिए तो मैं आपको कितने आसानी से इसको मैं सॉल्व करा दिया आपको, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या ये रिलेशन करेक्ट है? यस ऑब्वियसली डेल एच अपॉन डेल डेल एस, डेल एच अपॉन डेल एस करोगे और ये कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये बराबर होगा टेम्परेचर के, ठीक है। ध्यान रखना जब भी मैं आपको ट्रिक बताया था कि जब भी एस और पी जो है एक साथ आएंगे तो साइन आपका क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। जब भी एस और पी जो है साथ आएंगे तो साइन आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बाकी आप इसके सॉल्व करने के कई और तरीके थे, लेकिन देखो मैंने आपको बहुत आसानी से बाय ट्रिक जो है इसको कितने आसानी से हमने ऑप्शन काट के करेक्ट एक्शन करेक्ट ऑप्शन जो है पहचान लिए, ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ पर फॉर वन मोल क्वेश्चन दिया है, फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए भैया, हाँ जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालते हैं तो ध्यान दीजिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि ये जो है कौन सा रिलेशन फॉलो करते हैं, तो एस टी अपॉन पी वी वाला रिलेशन फॉलो करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मेरे क्वेश्चन में एस और वी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एस और वी दिया है, तो आपका एस और वी ये अब निकालोगे
तो क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन टी हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में पी अपॉन टी है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये पी अपॉन टी है, ऑप्शन ए जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये पी अपॉन टी है। दूसरे ऑप्शन में टी अपॉन पी है, और डी ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन होगा ना, ये सी ऑप्शन जो है वो पी पी और पी टी है, और ये जो है डी ऑप्शन जो है पी अपॉन वी है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, पी एस और वी, एस अपॉन वी दिया है, तो ये कौन सा होल्ड रिलेशन होल्ड करना चाहिए, पी अपॉन टी के। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कितने आसानी से मैंने आपको सॉल्व करा दिया कि जब भी हम कोई भी मैक्सवेल रिलेशन या फिर नॉन मैक्सवेल रिलेशन होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी ना हो ना, एनर्जी एनर्जी टर्म रहता है, तो ये रिलेशन फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी टर्म नहीं दिया है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई और ये जेड है, तो भैया अगर एक्स वाई और जेड इन तीनों में से कहीं पर भी एस और पी साथ है तो साइन क्या होता है, निगेटिव। ये 90% जो है क्वेश्चन जो है इसी से सॉल्व हो जाएगा, साइन से सॉल्व हो जाएगा। और अगर इससे सॉल्व नहीं होता तो 100% कौन सा रिलेशन सॉल्व फॉलो होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेट जो डिफरेंशियल आपका रिलेशन है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव आपका जो दिया गया है उसमें जो है एस टी इज इक्वल टू पी वी वाला रिलेशन जो है होल्ड करना चाहिए। तो ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब देखिए, अब ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव दिया है डी अपॉन वी, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन वी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में माइनस लगा लेना, ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये जो है माइनस डेल पी अपॉन डेल एस है, ठीक है, सभी में माइनस लगा है, ठीक है। ये जो है कॉन्स्टेंट एन है, कॉन्स्टेंट एन है, और ये जो है कॉन्स्टेंट एच है, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला था आपको, मैं बोला था कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, साइन चेक कर लीजिए। तो ये जो है आपका ये पी है, ठीक है, सॉरी पी बोलता हूँ, ठीक है, हाँ, ये जो है टी है, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगर ये टी है तो सबसे पहले हम वो निगेटिव साइन वाला रिलेशन हम चेक करते हैं। सबसे पहले निगेटिव साइन वाला रिलेशन अगर चेक करेंगे तो भैया अगर एस और पी साथ रहता है सामने में माइनस आता है, यस ऑब्वियसली इसमें माइनस है, ठीक है। इसमें भी एस और पी है दोनों साथ में, सामने में निगेटिव है, इसमें एस और पी है दोनों में सामने निगेटिव है, ठीक है। हाँ, इसमें भी एस और पी है सामने में निगेटिव है, मतलब निगेटिव साइन से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो किस क्वेश्चन से किस ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर क्या दिया है, टी अपॉन वी दिया है। तो मैं क्या बोला था, कौन सा रिलेशन फॉलो होना चाहिए, एस टी इज इक्वल टू पी वी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है टी अपॉन वी, तो टी अपॉन वी नीचे आएगा तो ये हो जाएगा पी अपॉन एस, ठीक है। तो ये जो है पी अपॉन एस इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे सेकंडों में क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। अगर आपको मैजिक स्क्वायर जो है, मैक्स बॉर्न स्क्वायर जो है, अगर वो अच्छे से समझ आता है तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है एकदम सेकंड में आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है, मैच द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक। अब देखिए अगर आप इस रिलेशन को मैच करेंगे तो क्या निकलेगा, तो ध्यान दीजिए ये एक्चुअल में ये सब क्या है, ये एनर्जी है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक्चुअल में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कैसे ये जो है कौन किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको इस फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, मैक्सवेल का सॉरी मैक्स बॉर्न का स्क्वायर प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सुनो प्रभु तेरी वाणी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हे गॉड ऑल यू, ठीक है, हे गॉड ऑल यू। अब इसका मैं क्या करता हूँ, बाउंडेड वेरिएबल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, बाउंडेड वेरिएबल लिखता हूँ। तो बाउंडेड वेरिएबल इसका क्या हो जाएगा, इसका बाउंडेड वेरिएबल हो जाएगा ये आपका एरो का निशान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टीडीएस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वीडीपी, और ये हो जाएगा आपका डीएच, ये हो जाएगा डीजी, और ये हो जाएगा माइनस एसडीटी, क्योंकि टी से आपका जो एस की तरफ जाओगे तो ये माइनस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो माइनस साइन, और ये हो जाता है आपका माइनस पीडीवी, ये हो जाएगा डीए,
और ये हो जाएगा du। अब बताओ भैया, अगर आपको du अपॉन ds करना है, क्या करना है, du अपॉन ds, तो देखो रे, तो यहाँ पर ये जो है du है, du से du अपॉन ds करोगे तो क्या आएगा, t आएगा, क्या आएगा, t आएगा, और कांस्टेंट क्या रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या दिया है, पहले ऑप्शन, पहले उसमें पी में, तो ये जो है आपका डीयू देखना है विथ रेस्पेक्ट, डीयू चेंज देखना है विथ रेस्पेक्ट टू डीएस, तो आपका जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा आपका टी के बराबर, तो आपका पी जो है वो पी एक्चुअल में क्या होगा, टी। वैसे ही जब आप डेल यू अपॉन डेल वी देखेंगे, तो डेल यू अपॉन जब डेल यू अपॉन डेल वी देखेंगे तो ये डेल यू किसके रेस्पेक्ट में देखना है, डेल वी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस पी, क्या आएगा, माइनस पी। कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, एस, तो कॉन्स्टेंट रहेगा ये आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा इस बार तो ये एस कॉन्स्टेंट रहेगा, तो दूसरा जो है ये आपका हो जाएगा माइनस पी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट दिया है डेल जी अपॉन डेल पी, तो डेल जी अपॉन डेल पी के लिए किधर जाना है, आपको इधर जाना है, डेल जी अपॉन डेल पी, कॉन्स्टेंट क्या दिया है, टी, तो जब टी टी कॉन्स्टेंट रहेगा तो डेल जी अपॉन डेल पी करोगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा वी, तो आपका ये जो आर जो है ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ नंबर, ठीक है। हाँ, अब डेल जी अपॉन डेल टी दिया है, क्या दिया है, डेल जी अपॉन डेल टी, तो डेल जी अपॉन डेल टी करेंगे आप तो आपका क्या निकलेगा, माइनस एस निकलेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, इस बार प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, देख लीजिए प्रेशर कांस्टेंट, तो ये माइनस एस निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा एस का सेकंड, ठीक है। तो देख लीजिए पी का थर्ड, यस पी का थर्ड पहले ऑप्शन में है, क्यू का फोर्थ, यस क्यू का फोर्थ है, आर का सिक्स्थ, यस आर का सिक्स्थ है, एस का सेकेंड, यस एस का सेकेंड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7th नंबर का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन है, ये दिया है आपका, ठीक है एक सेकेंड, हाँ ये दिया है आपका द थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पूछा है किसके लिए, स्पॉन्टिनिटी के लिए, द थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ प्रोसेस इज अ सिस्टम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या दिया भैया, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर एंड द अब्सेंस ऑफ एनी वर्क अदर देन एक्सपांशन वर्क, ठीक है। हम एक्सपांशन वर्क के लिए हम स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, हाँ क्या कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए हम फिर से एक बार मैक्सवेल स्क्वायर की तरफ चलते हैं, तो अगर हम फिर से अगर मैक्सवेल स्क्वायर बोलता हूँ, मैक्स बॉर्न स्क्वायर की तरफ चलते हैं, सुनो प्रभु तेरी वाणी, ठीक है, हे गॉड ऑल यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ये जो है थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया आप इस क्वांटिटी बता रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर, तो हम तो जानते हैं कि क्या क्या आपका होता है, जितने भी एनर्जी टर्म है वो जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में घटते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए जितने भी एनर्जी टर्म है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में घटते हैं, इसके साथ साथ आपका जो वॉल्यूम टर्म है वो वॉल्यूम टर्म भी घटता है और टेम्परेचर भी घटता है। हाँ, बढ़ता कौन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, एंट्रोपी बढ़ती है और प्रेशर जो है बढ़ती है। तो देखिए, हाँ पहली बात, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, यस हो सकती है, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, यस ये भी पॉसिबल है, चेंज इन हेल मोल जो फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, यस ये भी नेगेटिव होता है फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, यस ये भी पॉसिबल है। तो देखो जो कंडीशन जो होने चाहिए वो तो सभी में है, हाँ लेकिन हमको क्या दिया है, हमको ध्यान देना है कि हमारा वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट दिया है और टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट दिया है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर पर कौन सा जो है डिपेंड कर रहा है, तो ये ए जो है वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो जब ये ए जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पर डेल ए का जो है वैल्यू है वो निगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स डेल ए किस कंडीशन पर, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे उस टाइम पर ये लेजर देन जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो देखो कांस्टेंट, इसके कांस्टेंट से हम पहचाने कि एक्चुअल में इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
ओके ओके, तो आप सॉल्व कर लेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9th, 10th, 11th, 12th और 13th सब में कहीं ना कहीं जो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ही पूछा है। तो हमको एक बार इसको हम मैक्सवेल का जो डायग्राम है, मैक्सवेल बोलते हैं, मैक्स बॉर्न जो है उसका डायग्राम जो है वो बना करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा सुनो प्रभु तेरी वाणी, ठीक है, हे गॉड ऑल यू, ठीक है, तो हे गॉड ऑल यू, ठीक है। अब हे गॉड ऑल यू अब जब करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको देखना है कि आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, हमको पूछा है डेल्जी जो है वो लेजर देन और इक्वल टू होगा जीरो, लेकिन किस कंडीशन पर, व्हाट कंडीशन, व्हाट कंडीशन, आपको किस कंडीशन पर डेल जी जो है जीरो होना चाहिए, लेजर देन जीरो हो या लेजर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है आपको, डेल जी पूछा है, ठीक है। डिफाइन द स्पॉन्टिनिटी ऑफ प्रोसेस, तो सीधा फोकस क्या करोगे आप, सीधा फोकस ये करोगे कि जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी जो है फंक्शन है प्रेशर का और जी जो है फंक्शन है टेम्परेचर का। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होंगे, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तब आपका डेल जी का वैल्यू जो है वो लेजर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब अगर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन, चलिए थोड़ा सा इसको अपन हाईलाइट करते चलते हैं। विच थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन गिव मेजर ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्क दैट कैन बी कैरिड आउट इन अ फ्यूल सेल। तो इसके लिए जो आपका आंसर है वो है आपका डेल जी, डी जी, डी जी जो है ये जो है आपका थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन है जो आपको क्या मेजर करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्क दैट कैन बी कैरिड आउट इन द फ्यूल सेल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपको बात करें 11th की, तो 11th की फिर से वही क्राइटेरिया में आ गई कि व्हाट कंडीशन जो है डेल ए इज लेजर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, दैट डिफाइंस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो अब मेरा फोकस कहाँ जाएगा, अब मेरा फोकस जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब मेरा फोकस जाएगा कि ए जो है किसका किसका फंक्शन है। तो ए जो है वॉल्यूम का फंक्शन है, ए जो है टेम्परेचर का फंक्शन है। तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम और टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होंगे तब आपका डी ए का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, लेजर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें, ठीक है, वैसे ही अगर बात करें अपन, ठीक है, वैसे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्राइटेरिया फॉर नेचुरली अकरिंग प्रोसेस इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बताना है, तो ध्यान देते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, हाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या दिया है, डेल जी जो है घटना चाहिए, यस घटा हुआ है, डेल ए घटना चाहिए, यस घटा हुआ है, ठीक है, डेल एस भी पॉजिटिव होना चाहिए, डेल एस पॉजिटिव दिया हुआ है, डेल ई घटना चाहिए, यस डेल ई भी जो है आपको घटा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये है भाई कि इससे तो जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है, जो घटना चाहिए वो घट रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कॉन्स्टेंट कंडीशन क्या है, तो ध्यान दे, तो जी जी में टी भी दिया है लेकिन जी में फंक्शन किसका 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 होता है, ये प्रेशर और टेम्परेचर का। तो कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर, लेकिन दिया है यहाँ पर क्या टीवी, तो ये जो है इनकरेक्ट रिलेशन है। अगर हम डेल ए को देखें तो ये जो है ये फंक्शन होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, एस को देखें तो एस जो है, देखो एस जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एस जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो कौन कौन से हैं तो ध्यान देना, या तो एस जो है एच कॉन्स्टेंट हो या पी कॉन्स्टेंट हो, इन दोनों ही कंडीशन पर, दैट मीन्स डेल एस जो है वो कॉन्स्टेंट एच और कॉन्स्टेंट पी पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर एस जो है यू और वी, दैट मीन्स डी एस डेल एस इज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट एनर्जी एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो आपको दिया क्या है, ना तो यूवी दिया है ना तो एचपी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है ईपी दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है।
हाँ डी में देखते हैं, तो डी में डेल यू, डेल यू की अगर बात करें तो ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पर डेल यू की अगर हम बात करें, डेल यू की अगर हम बात करें तो भैया यू जो है एस का फंक्शन है और वी का फंक्शन है, ठीक है। तो ये लेजर देन जीरो तो होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, एस और वी होना चाहिए कॉन्स्टेंट। तो देखिए यहाँ पर एस और वी जो है कॉन्स्टेंट है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अरे ओके, देखो कितने आसानी से जो है क्वेश्चन जो है क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। थर्टीन, थर्टीन क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्टीन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। हाँ यहाँ पर भी आपको करेक्ट क्राइटेरिया निकालना है, किसके लिए, स्पॉन्टिनिटी रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए डेल एस जो है यहाँ पर, डेल एस जो है उसको बढ़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, इसे अच्छे से प्रिंट व्यू में मैं देख लेता हूँ एक बार, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यस, ग्रेटर देन है ये एक्चुअल में, ये जो है एक्चुअल में, ये जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन है, ठीक है, ये लेजर देन है और ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, तो अगर हम ध्यान दें तो डेल एस जो है वो बड़ा होना चाहिए, यस बड़ा होना चाहिए। डेल एस जो है यहाँ पर घटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। डेल जी को यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेल जी जो है घटना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। हाँ तो ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं एस जो है किसका, एच और पी, एच और पी का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो एच पी दिया है, यहाँ पर टी पी दिया है, तो ये तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि एच पी होना चाहिए था, पी के साथ एच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, टी पी दिया है, ठीक है। तो देखिए एस जो है यू भी दिया है क्या, यस ये यू हो गया और ये वी हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके ओके ठीक है। तो ये थे आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं द वैल्यू ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये जो है आपका ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है, इज इक्वल टू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं कैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है। तो चलो हम पहले मैक्स वॉन स्क्वायर, जो मैजिक स्क्वायर है, वो डिराइव कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, सुनो प्रभु तेरी वाणी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हे गॉड ऑल यू, ठीक है। हाँ अगर आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे, सॉरी बाउंडेड वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका TDS, ये आपका डायरेक्शन होता है TDS, ये हो जाएगा आपका VDP, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -SDT, ये हो जाएगा -PDV, और ये हो जाएगा आपका DG, DH, DU और DA, ठीक है। ध्यान दीजिए हमको एक्चुअल में क्या दिया है, तो हमको एक्चुअल में दिया है, हमको निकालना है डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यहीं से तो निकलेगा, यहीं से तो निकलेगा। तो यहां से क्या निकलेगा, डेल जी अपॉन डेल टी एट, और जब कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये प्रेशर कांस्टेंट, तो ये बराबर होगा माइनस एस के, क्या होगा, बराबर होगा माइनस एस के, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, माइनस एस निकालना है। ये जो है क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट या वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल का, तो माइनस एस किससे निकलेगा और माइनस एस किससे निकलेगा। और तो ध्यान दीजिए अगर मैं डेल ए अपॉन डेल टी कर दूं, डेल ए अपॉन डेल टी कर दूं, तो यहाँ पर डेल ए अपॉन डेल टी करूंगा तो, और कांस्टेंट वॉल्यूम रख दूं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख दूं, तो भी ये माइनस एस के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस एस और माइनस एस बराबर हो गए, तो एक्चुअल में डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है, ये डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा, और वो क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। तो इसको मैं और कैसे सॉल्व कर सकता था, इसको मैं और कैसे सॉल्व कर सकता था, तो ध्यान देना, ध्यान देना। अब एक्चुअल में डेल जी, डेल मतलब डेल एस निकालना है, तो डेल टी मेरे नीचे आना चाहिए, तो डेल टी मेरा किस में, किस में नीचे, तो इसमें तो डेल टी नीचे ही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है कट जाएगा, ठीक है। हाँ अब एक्चुअल में यहाँ पर डेल टी है,
तो डेल टी के साथ ये आपका कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो, डेल ए के साथ निकाल सकते हो। तो पहली बात तो ये जो डेल यू है, यहाँ तो डेल यू आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, हाँ डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिया है, यस भैया डेल ए अपॉन डेल टी, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, प्रेशर तो इधर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। तो कई रास्ते हैं जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर इसका रिलेशन जो है आसानी से डिराइव कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है, तो ये था आपका 14 नंबर का सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 15 नंबर का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल डेल जी विथ रेस्पेक्ट टू पी, मतलब जी का वैल्यू वो देखना है, रिलेशन देखना है विथ रेस्पेक्ट टू पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या दिया है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर होगा। अरे 2 सेकेंड नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, 2 सेकेंड नहीं लगेगा। सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप, मैं पहले वो बना लेता हूँ, मैजिक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुनो प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू। ठीक है, हाँ अब क्या देख लेते हैं अपन, अब अपन इसको वेरिएबल के बाउंडेड वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका TDS, ठीक है, ये हो जाएगा आपका VDP, ये हो जाएगा आपका DH, ये हो जाएगा DG, ये DA और ये DU। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -PDV, ये हो जाएगा -SDT। तो ध्यान दो हमको क्या देखना है, डेल जी अपॉन डेल पी, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या पूछा है, डेल जी अपॉन डेल पी, ये लीजिए भैया, तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल पी, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और अगर ऐसा है तो वैल्यू क्या निकलेगा, इज इक्वल टू आएगा वॉल्यूम, इज इक्वल टू आएगा वॉल्यूम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी के क्वेश्चन हैं, तो उस क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी के क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए पहला जो है क्या दिया है, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इन टर्म्स ऑफ द स्टेट फंक्शन, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा क्राइटेरिया जो है। तो सबसे पहले देखो, पहले तो मैं ऑप्शन यही काट दूंगा, इंटरनल एनर्जी घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा। हेल्महोल्ट्ज़ जो वर्क फंक्शन जो है आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रेटर देन दिखाया दिखाया पॉजिटिव दिखाया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डेल एस बढ़ना चाहिए और डेल जी जो है घटना चाहिए, दोनों जो है सही लग रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि इसका जो कंडीशन दिया है, कांस्टेंट जो दिया है वो सही है कि नहीं। तो अगर हम बात करें जी का, तो जी जो है फंक्शन होता है पी और टी का, तो जी जो है आपका क्या होना चाहिए, पी और टी जो है कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी और वी कांस्टेंट है, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ये जो है रॉन्ग आंसर है। हाँ एस का देखते हैं, तो एस जो है यू और वी के टर्म में दिखाया गया, यस एस जो है ये यू हो गया और ये वी हो गया। ठीक है, यू और वी के टर्म में दिखाया गया, तो यस एस यू और वी के टर्म में भी दिखा सकते हैं, एच और पी के टर्म में भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर यू और वी कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। हाँ अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट 17th नंबर के क्वेश्चन की। तो अगर हम 17th नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो चूज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अलोन। ठीक है, तो देखिए एंट्रोपी ए ऑप्शन में एंट्रोपी को बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सही है, ये जो है डेल एस बढ़ा हुआ दिखाई, सही है, डेल एस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है सी में, वो भी सही है, डेल जी जो है बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन ये कम होना चाहिए, तो डेल जी जो है क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए, लेकिन ये इसमें ग्रेटर देन दिखाया है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि एस जो है किसके किसके साथ कॉन्स्टेंट रिलेशन शो कर सकता है, तो एस जो है एच कॉन्स्टेंट और पी कॉन्स्टेंट, तो एच और पी कॉन्स्टेंट दिखाया है क्या कहीं पर, तो कहीं पर नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वी और यू कांस्टेंट, तो यू और वी कांस्टेंट, तो देखिए पहले ही ऑप्शन में यू और वी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ अगर हम 18th नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्राइटेरिया फॉर नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, यस डेल जी जो है घटना चाहिए, घटना चाहिए, फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन घटना चाहिए, घटना चाहिए, एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंटरनल एनर्जी घटना चाहिए, बस बिल्कुल घटना चाहिए।
ठीक है, तो आपका कंडीशन क्या क्या दिया है? तो देखिए डेल जी जो है, डेल जी किसका फंक्शन होता है? प्रेशर और टेम्परेचर का। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ए को देखें तो ये किसका किसका फंक्शन होता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। यहाँ पर क्या दिया है? टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये भी जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, डेल एस को देखें तो ये जो है या तो ई और वी के टर्म में दिखाया जा सकता है, ई और वी के टर्म में, लेकिन यहाँ पर ई और पी के टर्म में दिखाया गया है। तो ये जो है आपका, ये भी जो है आपका इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन है। हाँ, ई को देखें तो एस और वी के टर्म में दिखाया है। तो ई को अगर ध्यान दीजिए तो ये ई जो है एक्चुअल में ये ई जो है यू ही है। ठीक है, तो यू जो है एंट्रोपी का फंक्शन है और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो एंट्रोपी एस और वी जब कॉन्स्टेंट होंगे तो आपका डेली का वैल्यू लेजर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18th तक का सॉल्यूशन, ये हो गया आपका 18th तक का सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, 19th और 20th क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो 19th और 20th क्वेश्चन में हमको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। मल्टीपल सेलेक्ट एमएसक्यूज हैं। ठीक है, तो अगर एमएसक्यूज हैं तो ध्यान दीजिए इसमें कई आंसर जो है आपके क्या हो सकते हैं? करेक्ट हो सकते हैं, और एक एक भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज आर करेक्ट, मतलब कौन से रिलेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये हमको देखना है। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, सबसे पहले ध्यान दीजिए मैं ये बोला था कि अगर आपको मैक्सवेल रिलेशन है, मैक्सवेल या नॉन मैक्सवेल रिलेशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी इंटरनल एनर्जी टर्म ना हो तो उस कंडीशन में भैया एस और पी जो है अगर वो साथ हैं तो निगेटिव साइन, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 90%। और दूसरा दूसरा कंडीशन है कि एस टी इज इक्वल टू पी वी वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो ये जो है करेक्ट होंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस और टी जो है, एस टी जो नहीं है, सॉरी एस और पी नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, यस ऑब्वियसली। यहाँ पर एस और पी है तो यहाँ पर एस और पी है, लेकिन नेगेटिव साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं दिया है, तो आप ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन उसका देखें, ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर एस और पी है तो यहाँ पर निगेटिव साइन आना चाहिए, यहाँ पर भी एस एस और पी है तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन आना चाहिए, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यस यहाँ पर ये दोनों तरफ आपको पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, ये पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो सकता है। इसको हम एक बार और चेक करेंगे, दूसरे कंडीशन पे लागू करेंगे। ठीक है, हाँ अगर ऑप्शन सी को ध्यान दें तो ऑप्शन सी में देखिए एस और वी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चांस, एस पी नहीं है तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, यहाँ पर भी एस और पी एक साथ नहीं है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो सकता है, ये रिलेशन भी आपका करेक्ट हो सकता है। डी ऑप्शन में देखें तो एस और पी आपका साथ में है तो यहाँ पर निगेटिव साइन आना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है, यहाँ पर वी और टी और पी, यहाँ पर एस पी नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं दिया था, तो ये तो इसी से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाँ, आपका ऑप्शन बी जो है और सी जो है, ये ऑप्शन आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ये ऑप्शन आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो एक बार और इसको चेक कर लीजिए, क्या ये फॉलो हो रहा है एस टी और पी वी? तो यस, यहाँ पर ये जो है एस टी इज इक्वल टू पी वी रूल फॉलो कर रहा है। क्या ये सी वाला ऑप्शन ये फॉलो कर रहा है? यस, यहाँ पर ये एस टी हो गया और इधर से डायगनली अगर आप चलेंगे तो ये पी वी हो गया, तो एस टी इज इक्वल टू पी वी रिलेशन फॉलो हो रहा है। दैट मीन बी एंड सी ऑप्शन आर दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, कौन से जो आपके ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो देखिए Q+W एक्चुअल में डेल यू होता है, तो डेल यू तो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, अगर H-TS की बात करें तो ये G होता है, ये भी आपका एक प्रकार का स्टेट फंक्शन होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है। हाँ, Q और W जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। तो आपके Q और W जो है, दैट मीन्स बी और सी ऑप्शन जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं होते, दैट मीन्स बी और सी जो है आपके करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, तो ये थे आपके स्प्रिंट वन, थर्मोडायनेमिक स्प्रिंट वन का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में आपको डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।
ये थे आपके इसके आंसर कीज। अगर किसी में किसी भी प्रकार का डाउट हो, अगर गलत हो गया हो तो आप एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट के सॉल्यूशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।